बायो का फंडामेंटल और स्टार्ट करते हैं बायो की क्लास। चलिए तो सबसे महत्वपूर्ण है हम लोग यदि हम देखें कि बायोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें इसके फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। जैसे कि पहला पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण है और वो पहला पॉइंट ये है कि हम जानते हैं कि जो एक इंच वाला पार्ट है हमारे बॉडी का उस एक इंच वाले पार्ट में 90,50,000 सेल पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 90,50,000 सेल पाई जाती है हमारे सिर्फ एक इंच वाले पार्ट में। और यदि हम एक सेल को देखते हैं, पर्टिकुलर रूप से एक सेल को देखते हैं, तो सेल का कभी भी माउथ नहीं होता है, अर्थात जो सेल होती है वो माउथलेस होती है। राइट, माउथलेस से मीनिंग है यहाँ पर कि जैसे हम जब डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम बनाने के बाद हम सेल के माउथ बना देते हैं तो वो सेल के माउथ नहीं बनेंगे। जो सेल होती है वो माउथलेस होती है। कैसे होती है? माउथलेस होती है। सेल के जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हम लोग यूनिट मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, इसे हम लोग जो है सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, इसे हम लोग जाके बायो मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। सबसे बाहर वाला सेल का आउटर मोस्ट कवर जो है उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के जैसे ही हम लोग अंदर की तरफ जाते हैं तो एक विशेष प्रकार का सब्सटेंस भरा होता है। इस विशेष प्रकार के सब्सटेंस को साइटोप्लाज्मा कहते हैं और इस साइटोप्लाज्मा के बीच में जो है एक पीले कलर की संरचना पाई जाती है, लो स्ट्रक्चर पाया जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियस। इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, इसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और हम जानते हैं कि साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस को एक साथ प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है। और प्रोटोप्लाज्मा फर्स्ट लिविंग सब्सटेंस इन नेचर, ये पूरी पृथ्वी का पहला जीवित पदार्थ है। जो प्रोटोप्लाज्मा है वो फर्स्ट लिविंग सब्सटेंस इन नेचर, नेचर का पहला जो है वो जीवित पदार्थ है।